सो हेलो गाइस, कैसे हो यार। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम लवर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीएल के बारे में, यानी एमपीएल की जितनी भी डिटेल है, मतलब सब कुछ छोटी बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यानी एमपीएल का ऑनर कौन है, एमपीएल में कितने सारे गेम हैं, एमपीएल किस तरह से प्ले होता है, और सब कुछ जो एमपीएल की मतलब जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर दो यार, और अब वीडियो को लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी तो। और क्योंकि इस तरह की जो वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि आपको पता चल जाए वीडियो अपलोड करते ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमपीएल का ऑनर कौन है। तो गाइस, यानी ऑनर मतलब फाउंडर कौन है एमपीएल का। तो एमपीएल का दो फाउंडर है, एक का नाम है साई श्रीनिवास किरण और दूसरे का नाम है शिवम मल्होत्रा। तो गाइस, दो एमपीएल के ऑनर है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि एमपीएल किस किस देशों में अभी अवेलेबल है। तो गाइस, अभी एमपीएल सिर्फ दो देशों में अवेलेबल है, एक है इंडिया, एक है इंडोनेशिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एमपीएल कब लॉन्च हुआ था। तो गाइस, एमपीएल हमारा सितंबर 2018 को लॉन्च हो गया था। जैसे ही एमपीएल लॉन्च हो गया था, उसी के दो तीन महीने बाद ये गाइस ग्रो में आ गया। उसका कारण यह था कि इसमें बहुत सारे गेम थे खेलने के लायक, और मतलब जितने भी गेम थे एकदम अच्छी क्वालिटी के गेम थे गाइस। आप बोर बिल्कुल भी होने का मतलब चांस ही नहीं था उस एमपीएल में। और हाँ गाइस, जैसे आप एमपीएल को ओपन करते तो आपको एक फ्रूट चॉप गेम मिलता, उसको खेलना पड़ता, पर आपको फ्री में 4 रुपए मिल जाते। तो गाइस, इतनी सारी फैसिलिटी थी और उस 4 रुपए को आप आराम से विड्रॉ कर सकते थे अपने पेटीएम में। तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी थी, तो गाइस इसीलिए ये एमपीएल ग्रो हो गया। सो गाइस, एमपीएल की दूसरी बात यह है कि एमपीएल ने मार्च 2019 को विराट कोहली को हायर कर लिया था एमपीएल का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए। यानी आप एक साल तक विराट कोहली को यह कह दिया कि आप एक साल तक मेरे इस एमपीएल का एडवर्टीजमेंट करोगे। तो विराट कोहली ने इस पे सिग्नेचर कर दिया, हाँ ठीक है। एंड केएल राहुल को तो आप जानते ही हो, जो मतलब क्रिकेटर है, उसको भी उसने हायर कर लिया जब सुपर टीम का शुभारम्भ हुआ था एमपीएल में, तो उसको भी हायर कर लिया। ये दोनों ही क्रिकेटर थे। तो हम तीसरी बात करते हैं एमपीएल की। क्या आपको पता है दोस्तों कि एमपीएल में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है? तो दोस्तों, एमपीएल में सबसे पॉपुलर गेम है फ्रूट चॉप एंड फ्रूट डार्ट। एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एमपीएल में 20 गेम होते हैं, यानी लगभग 20 गेम होते ही हैं, और कुछ गेम इसमें से मतलब निकल जाते हैं या फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है कि मतलब उस गेम में या कुछ लैग प्रॉब्लम होगा या ग्लिच प्रॉब्लम होगा, और आप शायद उसमें रेटिंग, आपने खेला होगा गेम तो उसमें रेटिंग टाइप का भी आता है, मतलब लाइक का और आता है और डिसलाइक का भी आता है। और आप ज़्यादा ही डिसलाइक उस गेम को दे देते हो ना, तो वह गेम हट जाता है प्ले मतलब एमपीएल से। इसी की वजह से वो मतलब आता है फिर जाता है। और वो आता क्यों है? क्योंकि उस गेम को दोबारा इम्प्रूव किया जाता है, उसकी लैग फिक्सिंग की जाती है, उसका मतलब ग्लिच मतलब हर चीज़ फिक्स करके दोबारा मतलब एमपीएल में दिया जाता है, और दोबारा ही मतलब वो डिसलाइक मिलता है तो उसको परमानेंटली एमपीएल से हटा दिया जाता है। तो गाइस, कुछ ऐसी बातें थी जो एमपीएल में आपको शायद पता नहीं होगी। तो ये इतनी थी बातें, और बहुत कुछ है जो आपको बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। और वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो है गेम से रिलेटेड वीडियो मैं उस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे।